फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को लेकर काफी चर्चा थी और अब आज फाइनली ट्रेलर रिलीज भी हो चुका है। ट्रेलर रिलीज के बाद कुछ फैंस को ये ट्रेलर काफी अच्छा लगा, वहीं कुछ फैंस को ये ट्रेलर काफी ज्यादा खराब भी लगा और हम आपको आज इसी की 3 वजह बताएंगे। पहली वजह, टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे ही टाइगर ने एंट्री मारी तब से लेकर लास्ट तक टाइगर के वो पुराने वाले मूव्स देख फैंस बुरी तरह से नाराज हो गए। इस ट्रेलर में फैंस को टाइगर का कोई नया लुक चाहिए था जो उनको देखने को नहीं मिला और फैंस नाराज हो गए। दूसरी बात, तारा सुतरिया और अनन्या पांडे। सभी को पता है कि तारा और अनन्या इस फिल्म से डेब्यू करने वाले थे और फैंस को उनकी एक्टिंग देखने का ये पहला और आखिरी मौका था, लेकिन डायरेक्टर ने पूरा फोकस तारा और अनन्या पर न रखते हुए सिर्फ टाइगर श्रॉफ पर ही दिया था, जबकि तारा और अनन्या को कुछ ही डायलॉग बोलने के लिए मिले होंगे जिसकी वजह से फैंस उन दोनों की एक्टिंग नहीं देख पाए। तीसरी बात, करण जौहर। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के डायरेक्टर थे करण जौहर और उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्म सबको काफी ज्यादा अच्छी भी लगी थी, लेकिन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का डायरेक्शन करण ने नहीं बल्कि पुनीत मल्होत्रा ने किया है। फैंस को करण जौहर का जादू मिसिंग लगा। बस यही वजह रही स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के ट्रेलर ने लोगों को नाराज कर दिया। फिलहाल अभी की जानकारी में इतना ही। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़े रहे स्पीडी न्यूज के साथ।